बढ़ते आगे पीएचईडी घुसकांड प्रकरण से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है। आज सभी आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी हुई है। एसीबी की टीम सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची है। एसीबी ने एक्सीएन मायाराम सैनी, एएन राकेश चौहान, जेएन प्रदीप, दलाल मलकेत सिंह, ठेकेदार पदमचंद जैन, दलाल प्रवीण कुमार को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी ने 3 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ की। एसीबी ने 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते इन्हें ट्रैप किया था और आज इन सभी की रिमांड अवधि पूरी हुई है। एसीबी की टीम सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची है। पीएचईडी घुसकांड प्रकरण से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। एसीबी ने 3 दिनों तक आरोपियों से लगातार पूछताछ की। एसीबी ने 2,20,000 रुपए की रिश्वत देते लेते इन लोगों को ट्रैक किया था। इस दौरान रिमांड अवधि में इन सभी को लिया गया, 3 दिनों के रिमांड पर लिया गया था और अब रिमांड अवधि पूरी हुई है। एसीबी की टीम ने सभी आरोपियों को लेकर एसीबी की टीम कोर्ट पहुंची है। एसीबी ने एक्सीएन मायाराम सैनी, एएन राकेश चौहान, जेएन प्रदीप, दलाल मलकेत सिंह, ठेकेदार पदमचंद जैन, इसके अलावा दलाल प्रवीण कुमार को भी एसीबी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। पीएचईडी घुसकांड प्रकरण जिस तरह से बड़ा प्रकरण था और इसमें एक एक करके जब गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से संलिप्तता थी नीचे से ऊपर तक, एक्सीएन, एएन, जेएन, दलाल, ठेकेदार सभी शामिल थे, किस तरह से एक बड़ा गेम यहां पर रिश्वत का चल रहा था। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पीएचईडी घुसकांड प्रकरण में जहां 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था, रिमांड अवधि खत्म हुई है फिलहाल, और क्या अपडेट इससे लेकर, क्योंकि कोर्ट पहुंची है आरोपियों को लेकर एसीबी की टीम? देखिए बिल्कुल, वाकई में पीएचईडी घुसकांड प्रकरण में सभी आरोपियों को एसीबी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची है, जिनके अंदर एक्शन मायाराम सैनी, एएन राकेश चौहान, जेएन प्रदीप, दलाल मलकेत सिंह, ठेकेदार पदमचंद जैन और दलाल प्रवीण को एसीबी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची है। आपको बता दूं, 2,20,000 रुपए की एसीबी की टीम ने इन्हें रिश्वत लेते लेते गिरफ्तार किया था। साथ ही इनकी गाड़ी से तकरीबन 5 लाख रुपए भी एसीबी को बरामद हुए थे। अब एसीबी कोर्ट में लेकर पहुंचे। देखिए, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसके अंदर यह है कि एक आरोपी एसीबी की टीम ने पीसी मांगी और सभी और जो 5 आरोपी है उनको जेल भेजने के लिए एसीबी ने गुजारिश की, लेकिन फिलहाल अभी फैसला है वो कुछ देर में आएगा, उसके बाद ही ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। जी नवीन, बिल्कुल कुछ देर बाद ही फैसला होगा, लेकिन फिर भी क्या नजर आता है नवीन, क्या रिमांड अवधि को बढ़ाया जा सकता है पूछताछ के लिए, क्या 3 दिन काफी थे? ठीक है, रिमांड अवधि को एसीबी की जो टीम है वो कोर्ट से गुजारिश करेगी इस रिमांड अवधि को बढ़ाया जाए। संभवतः 2 से 3 दिन की एसीबी की टीम रिमांड की जो अनुमति है वो कोर्ट से चाहेगी। आपको बता दूं, एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को फोन सर्विलांस पर लेकर किए थे। तकरीबन 2 महीने तक 5 मोबाइल नंबरों की एसीबी ने जो सर्विलांस पर लिए थे 5 मोबाइल नंबरों को, और एसीबी ने तकरीबन सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल सुने थे, और फोन कॉल सुनने के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद आज एसीबी की टीम दोबारा इन सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंची है और कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। पेश करने के बाद इनकी दोबारा से रिमांड अवधि लेने के जो प्रयास है वो एसीबी टीम कर रही है, ताकि और भी एसीबी को पूछताछ करनी है। साथ ही जो फरार चल रहे हैं 3 और आरोपी उनको भी गिरफ्तार करने के लिए इनसे आमने सामने बैठाकर एसीबी टीम पूछताछ। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।